टुडे हम दिस वीडियो फॉर सुशांत सिंह राजपूत सारे लोग जानना चाहते हैं मेल भी क्या हुआ है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत जी को नवंबर के मंथ में क्या जस्टिस हुआ है उस व्यक्ति के साथ जिसने उनके प्लानिंग करी थी, उनको उनके नुकसान पहुंचाया, उनको डैमेज किया उनका सब कुछ, और क्या उस व्यक्ति को सजा मिली है, क्या मिल गई है या अभी प्रोसेस में है, मिल रही है, क्या वो प्रोसेस एक्चुअली स्टार्ट हो चुकी है जस्टिस की, अगर ऐसा है, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री में देख भी रहे हैं कि किस तरीके से डिस्टरबेंस चल रहा है, तो मैं इसमें एक बार स्पिरिट से कनेक्ट करके ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या इसमें जस्टिस हो रहा है अभी कि नहीं या प्रोसेस में है। मेरे आसपास जो कि भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को पिछले साल नवंबर में स्पिरिट सेशन में करंट करने की जब मैंने कोशिश करी थी तो मैसेज था कि एक साल बाद न्याय होगा नवंबर के इसी मंथ में, तो क्या नवंबर के फर्स्ट वीक में एक्चुअली आया था कि 2 से 3 तारीख अगर मैं नवंबर की बात करूं के बाद से कुछ होगा ऐसा कि जिसकी वजह से जिस किसी ने भी उनके साथ खराब काम किया या डैमेज करने की कोशिश करी, उनको उनको एक्चुअली किल करने की कोशिश करी, उनका मर्डर हुआ है, और इसमें ये फैंस उनके एक्चुअली जानना चाहते हैं कि क्या सुशांत राजपूत के साथ जस्टिस हो रहा है अभी प्रोसेस में है, अगर ऐसा है क्या इसकी शुरुआत हो चुकी है, अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। एंजल्स का पॉजिटिव कार्ड है, दैट मीन्स कि जस्टिस हो रहा है और हो चुका है और आगे भी होगा क्या, जो कोई भी व्यक्ति, मैं एक बार इसमें ये ज़रूर पता करूँगी कि इंडस्ट्री में जो ड्रग केस के लिए जो लोग भी सामने इस वक्त आए हैं क्या वही लोग एक्चुअली इन्वॉल्व थे या कोई और बात है, मैं एक बार मैसेज इसमें देखना चाहूँगी। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज़ मुझे बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में जो कोई भी लोग इन्वॉल्व थे एक्चुअली में जो इंडस्ट्री में अगर मैं पॉजिटिव कार्ड आया है, जस्टिस हुआ है, तो जिसके साथ भी जस्टिस उस नवंबर के मंथ में इंडस्ट्री में ड्रग केस का वाला जो केस खुला है क्या वही न्याय है, क्या वही जस्टिस है, अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। ये एक सेल्फिश इंसान का नेगेटिव कार्ड है, दैट मीन्स इंडस्ट्री में जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है एक्चुअली वो प्रोसेस में है, उस व्यक्ति के साथ अभी भी न्याय होना बाकी है लेकिन प्रोसेस में है, क्योंकि मैंने पूछा था कि प्रोसेस में है। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज़ मुझे बताएं कि अगर जस्टिस प्रोसेस में है तो जो ड्रग केस में जो लोग भी पकड़े गए थे उसमें कई ग्रुप का एक नाम आया है ड्रग केस में, तो क्या वही लोग इन्वॉल्व थे, मैं स्पेशली पर्सन का नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि कई लोग इनको मर्डर करने में इन्वॉल्व थे, लेकिन जो भी इंडस्ट्री में हमने देखा कि ड्रग केस में किस तरीके से बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल काफ़ी चीज़ें हुई, तो क्या ये वही पर्सन है, अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। न्यूज़ में भी था, हम लोगों ने देखा था ड्रग केस में इंडस्ट्री में पॉजिटिव कार्ड है, ये यही पर्सन है ड्रग केस में, जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही हैं ड्रग केस को लेकर के, इसमें जो भी पर्सन, वो जो पर्सन है हम सब जानते हैं, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, जो भी पर्सन ड्रग केस में इस वक्त आ रहे हैं आप लोग समझ जाइएगा कि इसमें एक्चुअली मैसेज क्या हो रहा है, और मैं फिर से एक बार इसको प्रेडिक्शन में निकाल के आपको दिखा देती हूँ कि इसमें एक्चुअली में वो पर्सन है कौन जो ड्रग केस के लिए अभी, जो इस वक्त आपने देखा होगा उसमें न्यूज़ में कि कौन जना है कौन नहीं है, सब आपको मालूम होगा आप लोग को,
यही जस्टिस है और ये प्रोसेस में है और यही जस्टिस हो रहा है कि सब चीज़ें खुल के आ रही है ड्रग केस को लेके। मैं बात करूँ वो पर्सन स्पेशली पर्सन को लेके मैंने पूछा था, तो पॉजिटिव कार्ड दिखा रहा है उसमें। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस जानना चाहते हैं कि क्या वो जो पर्सन है उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, किस तरह का पर्सन है वो। एक बार फिर से मैं प्रिडिक्शंस में 1 साल बाद फिर से मैं उस व्यक्ति की क्वालिटीज जानना चाहती हूँ और क्या उसको पहचाना जा सकता है, कैसे पहचाना जा सकता है। मैं ऐसे मैसेजेस देखना चाहूँगी। अगर मैं इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो वो व्यक्ति के सारे डोर्स एंड विंडोज, अगर मैं बात करूँ उसके खुद की अपनी जो एक पर्सनल जो डेवलपमेंट होता है एक व्यक्ति का, कि डेवलपमेंट मान लीजिए करियर की फील्ड में या वो जो तरक्की कर रहा है जिस फील्ड में, वो एक्चुअली रुक गया है, वो स्टॉप हो गया है और वो एक डेविल टाइप का व्यक्ति है जिसने उसकी हैबिट है कि अपने रास्ते से हटाना और अपना मतलब निकालना है, सेल्फिश इंसान। और यहाँ पे ये भी मैसेज है कि उसका बहुत विवाद रहा है अथॉरिटी से, स्टेट से, कि वो कुछ कह रहे हैं और सरकार कुछ कह रही है, विवाद रहा है बहुत ज़्यादा। पॉलिटिशियंस अगर आप मैं बात करूँ तो वो काफ़ी विवाद भी रहा है और इसमें अब वो सब चीज़ों को स्टॉप कर देना चाहता है, वापस सब इस इशूज इसका जितना भी इशू हुआ है उन सबको ये स्टॉप करना चाहता है। जो भी ड्रग केस का ये जो इशू चल रहा है, जो भी चल रहा है, उसको स्टॉप कर देना चाहता है। उसके ऊपर बर्डन बहुत है, प्रेशर बहुत है और दैट मीन्स कि बहुत जैसे होता है ना कि लाइफ उसके लिए एकदम बर्डन जैसी हो गई है, भारीपन है, और अगेन वो चीज़ों को विन करना चाहता है। ये उस व्यक्ति का नेचर है, बिहेवियर है, ये उसकी पहचान है। इस वक्त सब चीज़ें उसकी ज़िंदगी में स्टॉप हो गई हैं, जैसे विकास या डेवलपमेंट होना करियर के फील्ड में या पर्सनल। अपना मैं बात करूँ, मैं इसमें और जानना चाहूँगी उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, कैसे उस व्यक्ति को पहचाना जा सकता है। एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ किसी सिचुएशन से या उसकी कोई बिहेवियर नेचर, उस पर्सन को पहचाना जा सकता है जिसके अभी फिलहाल जो जस्टिस हो रहा है, क्या वो व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री का ही है? पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, यस पॉजिटिव कार्ड है और इसमें ये लवर्स का कार्ड आया हुआ है। दैट मीन्स कि वो अपनी वाइफ को बहुत चाहता है, बहुत बहुत ज़्यादा चाहता है, बहुत प्यार है और लव मैरिज हुई है, यहाँ पे ये साफ नजर आ रहा है। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं पॉजिटिव, प्लीज मुझे बताएं कि और इसके अलावा उसकी क्या क्वालिटीज हैं, मैं जानना चाहूंगी और कैसे किस तरीके से उसको पहचाना जा सकता है। यहाँ पे मैसेज है कि उसको बहुत जो अपने लाइफ में जो अभी तक जो प्लान करता आ रहा था, अभी तक वो व्यक्ति वो पर्सन वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है उसके लाइफ में। एक होता है ना कि एक है वो एम्परर की तरह, एक किंग की तरह, लेकिन वो अपने जो उसके चमचे हैं या कोई जो कोई भी उसके हेल्पर्स होंगे उनको वो इंस्ट्रक्शन देने में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आ रही है। दैट मीन्स ही इज जस्ट फेसिंग इंसल्ट, उसको इंसल्ट बहुत झेलनी पड़ रही है और वो इन सब चीज़ों से सेपरेट होना चाह रहा है, बहुत अलग होना चाह रहा है, चाह रहा है कि मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल सेपरेट हो जाऊँ जिसकी वजह से मेरी इंसल्ट हो रही है, और सब चीज़ें अपने हक में करना चाहता है। सारी जैसे होता है ना कि इन सब चीज़ों को हटा करके और अपने हक में अथॉरिटी में सब चीज़ें वापस आना, जैसे कि वापस गाड़ी जो है ट्रैक पे लाना, कि मेरी इमेज अच्छी हो जाए, मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए, फिर सब लोग मुझको चाहने और मानने लगे जो मैं पहले था। तो इंडस्ट्री से है, फिल्म इंडस्ट्री है से है और ये पॉजिटिव कार्ड था, फिल्म इंडस्ट्री से ही है। और वो अपने बड़े जो उसके घर में जो भी बड़े होंगे या सीनियर डायरेक्टर, या क्योंकि इंडस्ट्री की बात हो रही है तो जो कभी उससे बड़े होंगे जिन्होंने हेल्प किया होगा उस उन लोगों को ये बहुत मानता है, बहुत ज़्यादा। जैसे होता है ना कि हर वक्त सेवा के लिए खड़े रहना कि हाँ हाँ बताइए क्या हेल्प कर सकते हैं, तो इस तरह का नेचर है उसका कि अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा आदर करता है वो। और इसमें ये भी शो हो रहा है कि वो हेल्प भी मांग रहा है अपने सीनियर से। एक होता है ना कि ब्लेसिंग्स लेना बड़े बुजुर्गों से, कहीं ना कहीं अपने बचाव अपने बचाने के लिए कर तो रहा है, लेकिन हो सकता है कि कहीं कहीं जगह पे उसको ब्लेसिंग्स ना भी मिले, ये भी इसमें शो हो रहा है। तो इंडस्ट्री में जो कोई भी वो पर्सन है जिसने मैंने पिछले उसमें निकाला था कि
पिछले साल की प्रिडिक्शंस में कि कोई व्यक्ति है जो डेवल टाइप का भी दिखा रहा है उसमें, सारा नेचर उसमें। एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ तो उसमें एट प्रेजेंट की भी सिचुएशन उसकी दिखा रहा है। मैं और मैसेजेस देखना चाहूँगी कि कैसे उसको पहचाना जा सकता है एट प्रेजेंट, उस पर्सन को जिस किसी ने भी गलत काम किया सुशांत सिंह राजपूत के साथ, और जस्टिस हो रहा है। वो खुद परेशानी में है, बर्डन में है, केस में शो भी हो रहा है। और एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ तो ये एक्चुअली ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने परिवार में, उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे परिवार में जो उसका अपना फैमिली किंगडम है, अगर मैं बात करूँ तो उसको ये लग रहा है कि उसके परिवार को किसी ने धोखा देने की कोशिश करी है। और जैसे होता है ना कि फिल्म इंडस्ट्री के किसी जने ने जो है सब पोल खोली है, तो ये इसमें चीटिंग का भी कार्ड आ रहा है कि उसके साथ धोखा हुआ है और सब चीज़ें उससे जो है कोई करीबी जना, उसको कोई जना है जो जिसने उसके साथ चीट किया है, ये इसमें साफ नज़र आ रहा है। और ये बहुत ही यंग एज में जो है सफल हो गया था, बहुत यंग एज में ही जनता ने अपने सराखों पे इसको रखा था। बहुत सक्सेस हो जाना, बहुत प्रोग्रेस करना, यंग एज में ही एक जैसे होता ना यंग एज में ही किसी को किंग बना देना, ये इसमें मैसेज हो रहा है। लेकिन इसके साथ चीट हुआ है और इसके किसी इंडस्ट्री में ही, फिल्म इंडस्ट्री जो कि एक फैमिली की तरह होती है, इसके किसी करीबी जने ने ही जो है वो गड़बड़ करने की कोशिश करी है, चीट करने की कोशिश करी है, तभी इसको नुकसान भी हुआ है। और ये बहुत ही इमोशनल है और इमोशंस से भरा हुआ इंसान है, और लेकिन इसकी इमोशंस को कोई जरा नोच का सोट रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है बहुत ज़्यादा, और स्ट्रगल है सब लाइफ में दिखा रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, परेशानियों से गुजर रहा है। तो ये इसमें साफ मैसेज है कि वो खुद भी जो है इस वक्त प्रॉब्लम में है और उसके साथ धोखा भी हुआ है, और बाकी मैसेजेस बहुत क्लियर हैं। आई थिंक कि इसमें मैंने केवल एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि जस्टिस हो रहा है, इज इट जस्टिस इज गोइंग ऑन और नॉट, जस्टिस इज गोइंग ऑन, बट ये कब तक चलेगा? ये तो सुशांत सिंह राजपूत खुद एक एंजल हैं, वो तो खुद ही जाने, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हम इंसानों के हाथ में कुछ नहीं होता, हम तो केवल एक शरीर पाए हुए हैं, भौतिक शरीर है हमारे अंदर कुछ, अगर टैरो कार्ड रीडर हूँ तो मेरे अंदर कुछ शक्तियाँ हैं, कुछ हैं, जो कुछ भी है वो सब भगवान का ही दिया हुआ है। लेकिन एंजल्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनके पास बहुत सारी जो है वो राइट्स होते हैं और काफ़ी सारे पावर्स भी होते हैं, तो कुछ चीज़ें हम ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते, तो लेकिन सोल कर सकती है। तो ये यहाँ पे मैंने बताया था कि ये खुद अपने आप से जस्टिस जो है वो खुद अपने आप जस्टिस ये लेंगे, और जस्टिस हो भी, क्योंकि हाई लेवल के लोग हैं, मैंने पहले ही बताया था हायर अथॉरिटी के लोग हैं, हाई लेवल के लोग हैं, तो गड़बड़ तो हुई है, एविडेंसेस भी मिटाई गई थी। तो आई थिंक मैसेज इज वेरी क्लियर फ्रॉम द एंजल्स। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।